मामा पूछ रही थी नहीं फ्लावर एक्सेसरीज के बारे में, ये मेरे लिए फालतू नहीं बनाई है, एंड दैट टू अयान की फेवरेट फ्लावर से, इसके बारे में मैं जानती तक नहीं थी। मेरी शादी में आने वाले हर अपशगुन को टाला है इसने। तुम मेरे लिए फालतू नहीं, अनमोल हो। तनु बिल्कुल ठीक कह रही है फालतू। थैंक यू सो मच। तुम जानती नहीं हो कि तुमने आज एक माँ के लिए क्या किया है। ना ना आंटी जी, ऐसे थैंक यू बोलकर मारे को शर्मिंदा ना करो। जो थे सबने मारे लिए किया है ना, उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं। मैं तो बस माता रानी से यही प्रार्थना करूंगी कि तह लोगों पर अपनी कृपा बनाए रखे। अब अगर शगुन और अपशगुन की बातें हो गई हो, हम हल्दी की रस्म पूरी करें। भाई कनिका को हल्दी लगाना बाकी है। अरे चिप भाई साहब, हल्दी कनिका जी को नहीं तनिषा को लगना। मेरा मतलब तनिषा। भाई साहब मैं इसे ले जाती हूँ, आप चिंता मत कीजिए। हाँ रजला तुम लेकर जाना। फालतू चलो जल्दी। ओ हेलो, तुम लोग किचन छोड़ के यहाँ पे क्या कर रहे हो? मेरे सारे गेस्ट वहाँ भूखे बैठे हुए हैं। खाना एकदम तगड़ा तैयार हो रहा है जी। कट्टे की सब्जी, भुट्टे की कचौरी, मालपुआ, खैर सांगरी सब बढ़िया तैयार हो रहा है जी। तैयार हो रहा है का क्या मतलब है? अब तक तो रेडी हो जाना चाहिए था। करेक्ट बात बोल रहे हो साहब जी, पर मैं क्या करूँ, हमारे दो वर्कर को ना जुलाब हो गया जी। अब इतने कम वर्कर में जितना काम हो सकता है कर रहे हैं साहब जी, आप चिंता ना करो। कुछ तो करो, मेरे गेस्ट भूखे रह जाएंगे, किसको उठा रहा है? भाई साहब एक मिनट, देखो अगर तुम्हारे पास लोग नहीं है तो और आदमी बुलाओ। ऐसे भी ये सब डिले तुम्हारी वजह से हुआ है और अभी ज्यादा डिले हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। आप एक काम करो साहब जी, आपके घर में कोई वर्कर हो, कोई रिश्तेदार हो ना, उसको भेज दो जिसको राजस्थानी खाना बनाना आता हो, काम ना जल्दी हो जाएगा। कैसी बकवास बातें कर रहे हो, मतलब खाने के पैसे भी हम दे और मदद करने वाला भी? शादी में आए हो क्या? ये है तेरा अरेंजमेंट है गोगोतो, ये। I'm really sorry भाई साहब, मैं तो अच्छा करने गया था पर इस आदमी ने सब गड़बड़ कर दी। एक तो वैसे भी हल्दी डिले होगी उस लड़की की वजह से। एक मिनट, वो लड़की फालतू, वो राजस्थानी है ना? हाँ भाई साहब, लेकिन वो हमारी मेहमान है तो मैं मतलब I don't care, मेरे गेस्ट यहाँ से भूखे नहीं जा सकते। उसे कहो अपनी गलती सुधारनी है तो यहाँ आकर मदद करे, इनकी मदद करे। जी भाई साहब, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। चल जल्दी, टाइम निकला जा रहा है। अरे कहाँ रह गए यार, बहुत लेट हो गया, चलो जल्दी बैठो अभी यार। क्या सोच रही है, चल। रुको फालतू बेटा, सुमित्रा की बातों का तुझे इतना बुरा लग गया कि तू यहां से जा रही है? सुमित्रा की जगह पे मैं तुझसे माफी मांगता हूँ। ना ना अंकल जी, तुम हमारे सामने से हाथ मत जोड़, है तुम्हारे बाबू सा जैसे। तो ठीक है, नाराजगी दूर कर ले पर ऐसे घर छोड़ के मत जा। भैया ये घर छोड़ के नहीं जा रही है, हम तो बस हमारे घर तक जा रहे हैं, वो कुछ ज्वेलरी और सामान रह गया ना, वो लेकर फट से आते हैं। चल फालतू। रुको बेटा, बात ये है कि मुझे तेरी मदद की जरूरत है। मारी मदद? हाँ बेटा, बहुत बुरे फंस गए हैं हम लोग। ये जो केटर हमने बुलवाया है ना, इनके पास काम करने वाले लोग कम हैं। वो क्या है मैडम जी ना, मेरे आदमी को ना जुलाब हो गया है जी। अंदर हल्दी का फंक्शन चल रहा है और अभी तक मेहमानों के लिए खाना तैयार नहीं हुआ। इसे कोई ऐसा चाहिए जो कि राजस्थानी खाना बनाना जानता हो, और तूने तो आयान को भी दाल बाटी चूरमा बनाना सिखा दिया था। प्लीज प्लीज इनकी मदद कर दे। ये आप क्या कह रहे हो भैया, फालतू प्रोफेशनल शेफ थोड़ी ना है जो इतने लोगों का खाना बनाएंगे। अगर कुछ लोगों की कमी है तो हम बाहर से लोग मंगवा लेते हैं, वैसे भी मुंबई में राजस्थानी कुक की कमी थोड़ी ना है, है ना? हाँ
अरे रिजुला, पर ये ऐन वक्त पर मैं इतने सारे लोगों को कैसे इकट्ठा करूं? और अगर मैं इकट्ठा कर सकता तो मैं तुम्हें यहाँ फालतू के पास क्यों आता? अरे पर गोविंद भैया, ये खानसामा है ना, आप तो लोगों को जानते होगे ना यहाँ। अरे भाई साहब, जैसलमेर से बावर्ची बुलाने में घना वक्त लग जाएगा। अभी थोड़ी देर में हल्दी का प्रोग्राम खत्म हो जाएगा और उसके बाद लोग खाने का इंतजार करेंगे। इससे पहले भी इस घर पर आया हुआ अपशकुन तूने टाल दिया था, प्लीज इस अपशकुन को भी टाल दे। और अगर मित्तल परिवार के घर से अगर कोई गेस्ट भूखे पेट गया तो भाई साहब का नाम खराब हो जाएगा। आना अंकल जी, ते चिंता ना करो, आयान जी की हल्दी है, यहाँ से कोई भूखा पेट ना जावेगा। सब मीठी यादें लेकर जावेंगे, मैं करूंगी तुम्हारी मदद। थैंक यू फालतू बेटा, थैंक यू सो मच। अच्छा सुन, ये हमारे बावर्ची हैं, ये तुझे समझा देंगे कि क्या करना है। जी जी। फालतू, तू यहाँ जाएगी तो वहाँ? अरे वहाँ क्या, रिजुला कमाल करती हो तुम भी, और ऐसे भी तुम्हारी ज्वेलरी लाने के लिए तुम्हें इसकी क्या जरूरत है? वो भैया, घर में थोड़ा काम भी था, मैंने सोचा इससे करवा लूंगी। और आयान की हल्दी से और ज्यादा जरूरी काम तेरे लिए क्या हो सकता है रिजुला? हाँ, और अगर तेरे घर में कोई हीरे मोती का हार रह गया है तो उसके बगैर तेरा श्रृंगार कौन सा अधूरा रह जाएगा? एक बात बताऊं, तू बहुत खूबसूरत लग रही है, समझी? तू भी यहां से नहीं जाएगी। आलोक जी प्लीज, आप भी यहां से नहीं जाओगे, आपका जाना कैंसिल, आप सबके सब मेरे साथ अंदर चलो, चलो। हे भगवान, क्या करूं? आयान को पता लगा कि हम अभी तक एकेडमी नहीं पहुंचे तो बहुत नाराज हो जाएगा। अरे तू कर क्या रही है, तू चल ना अंदर, चल ना। अरे आइए आइए आलोक जी, प्लीज आइए। आज मेरी होने वाली लुगाई, थारा होने वाला पति थारे लिए परफ्यूम लेकर आया है, जिससे तू सोएगी तो यहाँ पर उठेगी मारे घर में। तेरे डैड के जाने के बाद उनका रोल प्ले करते करते मैं तो भूल ही गई थी कि मैं तेरी माँ भी हूँ। तुझे बहुत सारी शिकायतें होंगी ना अपनी माँ से। I hope कि तू मुझे माफ कर सके। ऐसे मत बोलो मॉम, I love you। I love you too मेरा बच्चा। तुझे पता है, माँ बाप का सपना होता है कि उनकी बेटी की शादी हो, ससुराल वाले उसे प्यार करें, मायके से ज्यादा ससुराल वाले उसका ख्याल रखें। बस इसी उम्मीद पर एक माँ अपनी बच्ची को विदा करती है। But I'm so happy कि तुझे आयान जैसा पति और मित्तल जैसा खानदान मिला है। And I am happy कि मुझे इतनी loving mom मिली है। तू तो मेरी जान है, मेरा सब कुछ है। तेरी ये माना तेरे लिए कुछ भी कर सकती है दोनों। लाइफ में किसी भी मोड़ पर कभी भी अगर तुझे कोई भी प्रॉब्लम आएगी ना, तो एक बात याद रखना दोनों, तो ये तेरी माँ ना हमेशा हमेशा चट्टान की तरह तेरे साथ खड़ी रहेगी। यम मैडम जी आई हमारी मदद के लिए। वो जैसा जैसा मैडम जी बोलती हैं वैसा वैसा करते रहो हैं। ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, समझे?
मेरे को बताइए ये की तैयारी हुई है अभी तक? बस मैडम जी सब तैयारी चल रही है। दत्ता जी सर, सुन मेरी बात, तू वहां बंगले के पीछे जाकर गाड़ी खड़ी कर और मैं थारी भाभी को लेकर यही तो फर्क है लड़की और लड़की में। भाई को हल्दी लगाए तो एकदम मैरिनेटेड मुर्गा बन गए और आप तो मोगरे का फूल लग रही हो। ओ, अच्छा अभी सो भी। थैंक यू। अब चलो सब लोग कनिशा भाभी के साथ फैमिली फोटोज खींचते हैं। हाँ 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 चलो। फैमिली फोटो निकालनी है तो अयान और बाकी सब लोग कहाँ है? बड़ी माँ मैं भाई और बाकी सबको लेके आती हूँ। ठीक है चलो आइए आइए। भाई साहब थैलो के कर रहे हो? दावत कल नहीं आज ही होने वाली है तो इतना घिरे नहीं, जल्दी हाथ चलाइए। इस लड़की को बता दें क्या? ये पुलिस में बताने में हमारी मदद करेगी। अरे हाँ तू बात तो सही कह रही है। चलिए चल बता देते हैं। टेम्पस लगा रखा है, तेल गरम हो गया था। कसम मैडम जी कह रही है ना, वैसा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। चलो चलो सब फोटोज के लिए आ जाओ। अरे बिल्कुल माँ बिल्कुल। अब सुनिए फैमिली फोटोज के लिए चलिए। गोविंद भाई आप भी जल्दी जल्दी चलो। खाने का क्या हुआ? फालतू गई है सब हो जाएगा भाई साहब। हाँ मैं हूँ ना। अरे एक मिनट क्या है यार? अरे भाई नेशनल एंथम के लिए खड़े हैं क्या? शादी हो रही है यार लड़के की, कम से कम दुल्हन के कंधे पर हाथ रख, थोड़ा रोमांटिक हो जाए यार। ओके ओके चाचू। ये चलो भाई कीजो स्माइल। वो अभी तक यही है। चाचू बाबा एक सेकंड। अरे फोटो सेशन छोड़ के कहाँ जा रहा है तू? अरे अभी से भागने लगा, अभी तो हल्दी लगी है पुत्र। चाचू कहीं भाग नहीं रहा हूँ, मैं दूल्हा हूँ ना, सबके साथ एक सोलो पिक्चर बनती है ना दूल्हे की। अरे यार बिल्कुल बन गया भाई है ना। अरे बुआ तो रह गई। हाँ वो हमारी भी तो पिक्चर बनती है ना। अरे बिल्कुल यार। बुआ के यहाँ क्या कर रहे हो? फालतू को लेके आदमी पहुंचा था ना आपको? हम जा ही रहे थे लेकिन गोविंद भैया ने रोक लिया और फालतू को किचन में काम करवाने भेज दिया। What? उसके बाद ही हम जा सकते हैं। झटपट काम कर मैच के लिए निकलना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए मार साहब की उम्मीदों पर मारे को खरा उतरना होगा। बस यही सही मौका है, बेहोश करके उठा ले जाता हूँ तेल एक। वैसे भी ये बावर्ची मारा के उखाड़ सकते हैं। अरे
रायान तुझे तनीषा के साथ जितनी सोलो फोटोज खिंचवानी है खिंचवा ले अभी, उसके बाद तो शादी तक उसे मिल नहीं सकेगा। और आप सब लोग किसी को फ्रेशन अप होना है तो हो जाइए, चाय नाश्ता करना है तो वो भी कीजिए, क्योंकि इसके बाद तनीषा और अयान को दूध से नहला के उनकी हल्दी भी तो उतारनी है। पर दीदी नाश्ता है किधर? सब कुछ रेडी है, मैं अभी देख कर आता हूँ। मेरे साथ चलो, तू भी नाश्ता कर ले। कनिका कुमकुम जी माँ मेरे साथ चलो, हम लोग सब पानी का कलश लेके आते हैं। सुमित्रा तुझे स्पेशल इनविटेशन देना पड़ेगा क्या? मुझे भी कलश उठाना पड़ेगा। फिर चल। भाई खाने का क्या हुआ? हाँ जी अंकल जी, बस हो गया। थैंक यू बेटा। अरे भाई जल्दी लगवाओ। जी ओके गाइस, लिसन तनु इधर। क्या हुआ भाई? वही तो सीन है भाई, क्या बाबा आदम के जमाने वाली शादी हो रही है। तुम लोगों को बैचलर्स नाइट करनी है? ऑफ कोर्स यार, सिडग्रो में वही सोच रहा हूँ। इतना बोरिंग हो रहा है ये सब, इसको मजेदार बनाते हैं ना यार, किलर सी पार्टी करते हैं। सो गाइस बी रेडी, आयशा सुहाना तनु ओके? मैं नहीं। तू भी मेरे भाई, तू भी रेडी रही हो। तनु की भी सारी फ्रेंड्स आ रही है, मैंने भी कुछ अपने फ्रेंड्स को बुला दिया है। विल हैव फन। ये पार्टी होने वाली है भाई, आप ना टाइम से रेडी हो जाना। भाई नहीं जा सकते क्योंकि एज पर रूल्स हल्दी के बाद दूल्हा दुल्हन से मिल नहीं सकते हैं, इसलिए भाई नहीं जा सकते। I'm sorry भाई। Don't be sorry छोटे, चल। नहीं भाई के बिना मजा नहीं आएगा, अगर भाई नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी। सुविधा तुझे पता है ना, सुबह से शादी के काम में कितना बिजी था, बहुत थक गया हूँ मैं यार। I need some rest. Please understand. You guys carry on. हाँ चल, I'll see you all. भाई अभी से थक जाएंगे तो आगे क्या करेंगे? भी बोल रहे हो तुम? ओके गाइस, बड़ाऊ गैंग 10 बजे सो जाएगी, उसके बाद शुरू होगा हमारा जगराता। ये वाव, सो 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 एक्साइटेड। एक्साइटेड तो मैं भी बहुत हूँ, खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे तीन यार, मैं तनु और फालतू। भाई तुम लोग जाओ, तुम लोग टेबल वेबल देखो, बाकी खाना मैं भिजवाता हूँ। चलो भाई साहब, हमारा भी काम हो गया, मैं चलती हूँ। अरे कभी भाई साहब, कभी काकू साहब, कभी बेबी सोना भी बोल दिया कर जाने मन। ये के बदतमीजी के ठहरे भी भाई साहब, अभी भी सारे को समझ में नहीं आ रहा है के घर जाने का टेम आ गया जाने मन। चले स्तर पर से हाय। हाय वेलकम दर्शकों, वेलकम, दिस इज सो कूल। भाई और भाभी को एक साथ नहलाने वाली रस्म होगी, वो भी सबके सामने। ये ए, क्या ये सबके सामने नहलाएंगे? मतलब किंचुक की शादी पे तो ये सब नहीं हुआ था। लकी हिम, लेकिन आपके साथ तो ऐसा ही होगा। वो देखो कलश भी आ गया। कलश? भाई और भाभी गेट रेडी। मेरी खाने वाली लुगाई। लुगाई मारी चुत्ती से, इस जन्म में तो थोड़ा ही सपना कभी पूरा ना होगा। पुप्पी We'll be right back.
आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। बदमाश बच्चियां, भाई भाभी को परेशान करोगी? कोई बात नहीं दादी, बोलने दो बोलने दो, आने दो, ये सूखा नंबर, किसी को ना बताऊं भाई। हाँ हाँ, पूरा बदला ले लेना, लेकिन अब तुम दोनों चेंज करने के लिए जाओ, नहीं तो पता चला शादी के मंडप में दूल्हा और दुल्हन छींक रहे बस। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।